बस बस अब बारिश का मौसम बन रहा है, मैं लकड़ियाँ लेकर घर चला जाता हूँ। रामनाथ लकड़ियाँ लेकर निकलता है, तभी बारिश चालू हो जाती है। इतनी जोरदार बारिश, मुझे ठंड भी लग रही है। वहाँ पर गुफा दिख रही है, मैं उस गुफा में जाता हूँ। अरे इस गुफा में किसकी आवाज आ रही है? वैसे भी मुझे ठंड लग रही है। गुफा के अंदर जाऊंगा तो थोड़ी गर्मी भी महसूस हो सकती है। चलो। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कोई बड़े सिद्ध साधु बाबा है। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ठंड भी लग रही है। प्रणाम बाबा, मैं रामलाल एक लकड़हारा हूँ। मैं गुफा के पास से लकड़ियाँ लेकर जा रहा था, तभी बारिश चालू हो गई और बारिश से बचने के लिए मैं गुफा में आ गया। ये गुफा बहुत भयानक है, यहाँ पर बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, मैं मेरे जादुई शक्ति से तुम्हारी ठंड दूर कर देता हूँ। ठीक है बाबा, बाबा रामलाल की ठंड दूर कर देते हैं और रामलाल वहाँ से चला जाता है। चलो सुबह हो गई, अब गांव में लकड़ियां बेचने जाता हूँ। वैद्य जी, कितने दिनों से मेरे पति बीमार हैं, आप इन्हें अच्छी दवा क्यों नहीं देते? शांति बहन, मुझे जितना ज्ञान था उतनी दवा मैं इन्हें दे चुका हूँ, पर ये कोई नई बीमारी है जिसकी दवा मेरे पास नहीं है। नहीं वैद्य जी, कुछ करो, यदि इन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अब सब ऊपर वाले के हाथ में ही है। आज गांव में इतनी शांति क्यों है? सब लोग कहाँ गए? अरे वैद्य जी, आप इधर गांव में? हाँ रामलाल, हमारे गांव में एक बीमारी आई है जिससे आंखें लाल हो जाती है। धीरे धीरे ये बीमारी गांव के सभी घरों में हो रही है। मेरे पास इस बीमारी की कोई भी दवा नहीं है। वैद्य जी, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, हमें कुछ तो करना ही होगा। चलो मुखिया जी के पास, उनसे कुछ चर्चा करते हैं। वे सब लोग मुखिया जी के पास आते हैं। मुखिया जी, आपने उस बीमारी के बारे में तो सुना ही होगा। और रामलाल, क्या किया जाए कुछ समझ नहीं रहा है। यदि इस बीमारी का कुछ इलाज नहीं किया गया तो हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे बताओ, तुम लोग किसी बड़े वैद्य को या कोई सिद्ध साधु बाबा को जानते हो क्या? तभी रामलाल को उस गुफा वाले साधु बाबा की याद आती है। मुखिया जी, मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ, मैं अभी उनके गुफा में जाता हूँ। रामलाल साधु बाबा के पास जाता है। बाबा जी उठो, बाबा जी
मैं बड़े संकट में हूँ बाबा जी। अरे क्या हुआ पुत्र? हमारे गांव में एक बीमारी आई है बाबा जी, जिसका इलाज हमारे पास नहीं है। हमारी मदद करो बाबा जी। बाबा ध्यान दबाकर देखते हैं। पुत्र ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये एक महामारी है। इस बीमारी का इलाज बताओ बाबा जी। इस बीमारी से बचने का एक ही उपाय है। यहाँ से 100 कोस दूर एक बड़ा दिव्य जंगल है। वहाँ एक दिव्य वृक्ष है। उस वृक्ष के आसपास उजाला ही उजाला रहता है। तुम उस वृक्ष का फल लाओ और उसका रस निकाल कर सभी बीमारों को पिला दो। ठीक है बाबा, मैं अभी जाता हूँ और फल लेकर आता हूँ। उस जंगल में वही जा सकता है जो ईमानदार, निस्वार्थी और धर्म की राह पर चलने वाला है, और उस वृक्ष की रक्षा परिया करती है। इसलिए तुम्हें उस फल को पाने के लिए परियों से प्रार्थना करनी होगी। ठीक है बाबा जी। रामलाल जंगल की ओर निकलता है। बाबा ने तो यही जंगल बताया था, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अरे यहाँ पर ये कुछ चमक रहा है, मैं इसी दिशा में जाता हूँ। अरे ये इतनी रोशनी कैसी? ये तो इस पेड़ से आ रही है, मतलब यही वो दिव्य पेड़ है। तभी रामलाल पेड़ के पास जाता है और फल तोड़ने लगता है। अरे ये फल कहाँ चले गए? अरे कौन हो आप और इस फल को क्यों चुरा रहे हो? मैं रामलाल हूँ। हमारे गांव में एक बड़ी बीमारी आई है। उसी बीमारी की औषधि बनाने के लिए मुझे ये फल चाहिए। तुम इस चक्कर में आ पाए, मतलब तुम एक अच्छे और धार्मिक इंसान हो। ओ नहीं, इस फल को पाने के लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का सही जवाब देना होगा। जीवन में सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? कोई भी कार्य जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, उसमें सफलता मिलने पर हमें खुशी मिलती है। पर उससे भी ज्यादा खुशी तब मिलती है जब एक बड़े संकट में फंसा इंसान संकट मुक्त हो जाता है और खुशी से झूम उठता है, और हमें पता होता है इसके संकट के समय मैंने इसकी मदद की थी, इसलिए उसके खुशी को देखकर हमें दुगनी खुशी मिलती है। हाँ, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने से एक आंतरिक शांति और खुशी मिलती है। ले लो फल और जाकर तुम्हारे गांव वालों की रक्षा करो। रामलाल फल लेकर गांव आता है और फल का रस निकाल कर सभी बीमारों को पिलाता है। कुछ ही समय बाद सब लोग तंदुरुस्त हो जाते हैं। रामलाल की छोटी सी मदद से पूरा गांव बच गया। इस कारण रामलाल बहुत खुश होता है।